हेलो बडीज, वेलकम बैक टू नैना व्लॉग्स। एंड टाइम हो गया सुबह के 6 बज गए हैं। आज गणेश चतुर्थी का डे टू है। हाँ, गणेश जी का डे टू है आज। एंड हमने बहुत सिंपल रंगोली डाली है, जस्ट टू सम कलर्स। एंड हमने फोक एंड स्पून यूज़ किया है डिज़ाइन करने के लिए। एंड हाँ, ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रीटी है। तो बहुत सिंपल डिज़ाइन किया है हमने रंगोली के लिए। तो चलिए अब जल्दी से हम सब फ्रेश हो जाते हैं। रंगोली हमारी बन गई है और जल्दी से भगवान के हम प्रसाद बना देते हैं और फिर करेंगे पूजा। तो चलिए फिर जल्दी से हम फ्रेश हो के आ जाते हैं। तो फ्रेश हम हो गए हैं, अब सीधा चलते हैं किचन की ओर। तो हमने पहले बनाया है पाइनएप्पल हलवा। पाइनएप्पल हलवा के लिए हमने पाइनएप्पल सारे चॉप कर दिए अच्छे से। तो अच्छे से चॉप कर दिया पाइनएप्पल्स। एंड थोड़े से पाइनएप्पल हमने कट भी कर लिए हैं, बिकॉज वो बीच बीच में जो पाइनएप्पल का वो पीसेस आते हैं ना, उससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना थोड़े से पीसेस भी डाल दिए जाए। तो हम बड़े बड़े पाइनएप्पल के पीसेस डाल रहे हैं, ये पूरा ऑप्शनल है। अगर आप किसी को पसंद नहीं रहता कि बड़े बड़े पाइनएप्पल के पीसेस मुंह में आ रहे हैं हलवे के बीच में, तो उनको पसंद नहीं आता। तो पूरा, अगर आपको नहीं पसंद बड़े बड़े पीसेस, पूरा चॉप कर दीजिए, उससे भी टेस्ट तो वही रहेगा। तो हलवे के लिए हमने ऐसे पैन में घी लिया, उसमें हमने कैशनट्स डाले, उसे अच्छे से सौते कर देंगे। थोड़े अच्छे से फ्राई हो जाए, रोस्ट हो जाए, उनका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं रोस्टेड। तो ये थोड़े से ड्राई ग्रेप्स डाल दिए हमने, ये सूजी डाल दिए हमने। इन सबको हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, रोस्ट कर देंगे। थोड़ा सा एडेबल कलर यूज कर रहे हैं येलो कलर का, उससे इसका कलर येलो आएगा। एंड पाइनएप्पल तो यू नो येलो कलर का रहता है, लाइट येलो रहता है। तो हम सेम वही कलर लेके आने हैं अपने हलवे में, तो उसका फ्लेवर और टेस्टी, मतलब दिखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए। अब तो हियर वी आर एडिंग शुगर। तो शुगर डाल दिया हमने, अच्छे से मिक्स कर दिया है, मिक्सी भी अच्छे से थोड़ा पका देंगे। हलवा भी पूरा तैयार है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारे चॉप्ड पाइनएप्पल्स, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा पका देंगे। गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल बचा दिया था, उसे मैं गार्निश कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने आलमंड्स यूज कर दिए हैं। डोर पे कोई है, देख के आती हूँ कौन है। गाइस, ये गणू जी का प्रसाद है, बता रही है नीचे गणू जी रखे हैं, तो वही प्रसाद है। लेट्स ओपन एंड सी क्या है इसमें। खुल नहीं रहा, आई थिंक वी नीड सीजर। सीजर ले लेती हूँ। इसमें भी हलवा है, सीरियसली वाओ गाइस। मीनवाइल हमने सोचा हम मिल्क में फ्रूट सैलेड बना देते हैं भगवान के लिए। तो ये थोड़े फ्रूट्स हैं, मैंने एप्पल लिया है, पाइनएप्पल लिया है, प्रोमोग्रेंट लिया है और थोड़ा सा बनाना लिया है। सबको मिक्स कर देंगे अभी और हम इसमें ऐड करेंगे ये नेस्ले मिल्क में। तो मैं सिर्फ 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ, तो स्वीट डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, स्वीट्स में ऑलरेडी रहता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड इट्स डन। तो बन गया हमारा फ्रूट सैलेड। तो भोग के लिए प्रसाद हमने रख दिया है, जल्दी से पूजा कर रहे हैं अब जल्दी जल्दी में, टाइम हो रहा है। सैलेड भी रख दिया है साथ में। राजेश्वरी सिंहा देवी सिंहा
सारी गा मा पा दा पा मा पा दा पा नी सा पा नी सरी सरी गा मा री सा दा पा मा री सरी गा मा पा ही माम श्री राज राजेश्वरी कृपा करी शंकरी पा ही माम श्री राज राजेश्वरी भंड चंड मुंड कंड निमिष भंजनी जनरंजनी निरंजनी भंड चंड मुंड कंड निमिष भंजनी जनरंजनी निरंजनी पंडित श्री गुवा दास भूषणी सुभाषिनी वरभूषणि पंडित श्री गुहदास भूषणि सुभाषिनि रिपुभीषणि वरभूषणि प प म रि सा द प प म म रि सा रि स रि ग म प स रि ग म प द प म प द प नि स प नि स रि स रि ग म रि सा द प म रि स रि ग म प हि मा श्री राज राजेश्वरी कृपा करि शंकरी पाहि 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 मा श्री अवरोचुतगु विनायक निन्नु विनावरोचुतगु विनायक निन्नु विनावरोचुतगु
देखिए इतने प्यारे लग रहे हैं गुन्नू जी, कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो चलिए यहीं पे मैं अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे पे डे 3 पे। तो चलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल व्हिच इज़ नैना व्लॉग्स, एंड फिर मिलते हैं, बाय बाय।